तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। सो दोस्तों, ये 5वां लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और हम इसमें बेसिकली अब थोड़ा सा डीपली स्टडी करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जो 4 लेक्चर्स देखे थे उसमें हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ रहे थे कि जो फ्लूइड है एक्चुअली वो कैसे बिहेव कर रहा है, और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज कुछ बेसिक अभी मैंने बताई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और अभी बची हुई हैं अभी, ठीक है। लेकिन एक छोटा टॉपिक है, कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी की तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस पर, या आपके एकेटिव सिलेबस में एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप कहते हो शॉर्ट नोट्स कह सकते हो, या इसको आप एज ए अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी थोड़ा सा इसको रख सकते हो कि जो हमने अभी तक पढ़ा है फ्लूइड फ्लो के बारे में उसमें थोड़ा सा कुछ अपडेशन है, कि मतलब अपडेशन इन द सेंस ये है कि अब थोड़ा सा उससे हम डीप जा रहे हैं, मतलब और उससे अच्छे तरीके समझने के लिए हमें थोड़ा उसके बारे में और जानना चाहिए। हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि फ्लूइड जो होता है एनीथिंग विद अ टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और हम इन्हांस करेंगे अपने नॉलेज को, ताकि हम उसको और अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो अगर हम टॉपिक का कुछ नाम देना चाहें तो देखो, एक तो ओवरऑल टॉपिक ये हो जाएगा आपका सिंपल, एक कह सकते हो अगर हमसे क्वेश्चन पूछें हाउ फ्लूइड फ्लोज, ठीक है, मतलब ये हुआ कि कोई फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके पास, तो हम इसी क्वेश्चन को, जैसे आप अगर बताओगे किसी को कि फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की, तो अब वो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह के फोर्स की वजह से होता है, किस स्ट्रेस की वजह से होता है। तो हम थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने केवल एक ओवरव्यू रखा था किसी फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड है तो वो फ्लो करेगा, सॉलिड से अलग होता है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो थोड़ा सा उसको अपने नॉलेज को इनहांस करते हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये लिखा था स्टार्टिंग में, जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, हमने ये पढ़ा हुआ है कि फ्लूइड हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ठीक है। फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की, उसकी वजह से ये आपका फ्लो करता है। अब हम इसके बाद और इस लेक्चर में जानेंगे कि ये चीज जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है ये कैसे लाई करती है, ठीक है, या ये कैसे इसको और एक तरीके से एनालाइज करते हैं इसके माध्यम से हम। तो हम इस लेक्चर में उसी चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पे आप देखिए कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में, जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं मैटर का, तो मैं इसको फिर से वहीं से स्टार्ट बताता हूं आपको। जैसे हमने लिखा मैटर, तो मैटर में एक आपका आ गया सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, ठीक है। हम इतना जानते हैं कि लिक्विड और गैस, इन दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, और सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है, अगर उसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस लेक्चर में, तो देखिए, अगर मैं किसी सॉलिड का कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लिखता हूँ इन सॉलिड, मान लीजिए ये आपका एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक। अब इस सॉलिड ब्लॉक पे अगर हम कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, ठीक, कोई एक टेंजेंशियल फोर्स
मैं पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ फोर्सेस के नेचर के बारे में, फिर इस पे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम करके टेंजेंशियल क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक। जैसे कोई फोर्स होता है तो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स किसी ना किसी एंगल पे लगता है, हम हमेशा उसको किसी को एक रिजॉल्व करते हैं, आइदर वर्टिकल आइदर हॉरिजॉन्टल, भाई कॉस थीटा साइन थीटा में आप हमेशा फोर्स को रिजॉल्व करते आ रहे हो शुरू से लेके अभी तक, ठीक है। जितना भी होगा आपने देखा होगा, कभी भी कोई फोर्स लगा है तो मान लो थीटा दिया 30 डिग्री, तो आप लिखते हो एफ कॉस 30 एफ साइन 30, तो ये आपको पता होगा, ठीक। तो मैं उसी को समझा रहा हूँ आपको उसी चीज से, जैसे फोर्स है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल भी लगता है और वर्टिकल भी लगता है, भाई फोर्स है हॉरिजॉन्टल भी लगेगा और वर्टिकल भी लगेगा, ठीक। अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है समझने वाला वो ये है कि जब ये फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हमें क्या चेंज मिल रहा होगा, ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको। जैसे आप समझो, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक इलास्टिक मटेरियल है, मान लेते हैं रबर, ठीक है, कोई इलास्टिक मटेरियल है। अब देखो अगर हमारा फोर्स यहां वर्टिकल लगेगा, कोई एक इलास्टिक मटेरियल है और अगर हमारा फोर्स सीधे इसके सरफेस से वर्टिकल लग रहा है तो इसमें क्या जनरेट करेगा, यहां पे वो एक तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स, यानी जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको हम टेक्निकली नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको मूवमेंट नहीं करा रहा है। अगर इसका मूवमेंट पैसेज एक्स डायरेक्शन में है, फोर्स आपका वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस समय ये क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। जैसे आप समझो कि ये एक बॉटल है, इसमें हमने पानी रखा है, अब अगर हम जानते हैं कि ये फ्लो कब करेगा, जब ऐसे हमने इसको ऐसे कर दिया तो पानी इसमें हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगा बाहर की ओर, लेकिन नीचे से ये पैक्ड है, जैसे मान लो ऐसे ये पैक्ड है ऐसे, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से फोर्स लगाएं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका हॉरिजॉन्टल है, हम इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो जब ये कंप्रेस करेगा तो वहां पे जो आपका एक स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, या उसको हम लोग सिंपल प्रेशर कहेंगे। भाई अगर ये एरिया स्मॉल एरिया पे एक्ट कर रहा होगा तो यहां पे जब हम स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो ये यहां पे कहलाता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। कब? जब आपका फोर्स परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये एक्सटर्नल एजेंट अगर है तो इसको हम प्रेशर कह सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को ही हम स्ट्रेस भी कहते हैं और प्रेशर भी कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फेनोमिना है, मतलब उसके अंदर से लगता है, मतलब जैसे हम इस ब्लैक बोर्ड पे अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, यानी उतना ही फोर्स हमको ये रिपल्स कर रहा होगा, रोके हुआ है। तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर इस पे लगा, ब्लैक बोर्ड जो हमें ऑफर कर रहा होगा वो हमें एक स्ट्रेस ऑफर कर रहा होगा, ठीक, यानी स्ट्रेस एक इंटरनल फेनोमिना होती है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और जब हम वर्टिकल कहीं फोर्स लगाते हैं तो वो किसी चीज को फ्लो नहीं कराता है। आप देखो इंजेक्शन आप यूज करते हो या आप लोग होली में पिचकारी यूज करते हो तो उसमें क्या करते हो, जब आप वर्टिकल उसको प्रेस करते हो तो वो ऐसे ऐसे समझो कि वो उस पर फ्लो नहीं करा रहा है, वो उसको प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इंजेक्शन है, नोजल को बंद कर दो, ठीक है, उसको प्लंजर दबाओगे तो वहां पे प्रेशर इंड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ये कहने का मेरा है कि आपको अगर किसी चीज को फ्लो कराना है तो हमें उस फोर्स को उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाना पड़ेगा। जैसे आपका अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस पे है तो हमें फोर्स भी एक्स एक्सिस पे यानी एफ एक्स लेके चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एफ वाई लगाएंगे तो इसमें फ्लो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एफ वाई वर्टिकल हो जाएगा और वर्टिकल प्रेशर फोर्स क्या होगा, उस पर प्रेशर रिड्यूस करेगा, या वहां पे कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि वो उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें फ्लो कराने के लिए हमेशा अलोंग द सरफेस वाला फोर्स चाहिए, ठीक है। अब मैं उस पे आ रहा हूं, अलोंग द सरफेस वाले पे, ये समझ में आ गया होगा सबको कि नॉर्मल फोर्स अगर किसी सरफेस पे लग रहा है
और उसका अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल है तो कभी भी उसको फ्लो नहीं करा सकता। ठीक, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल वाले पे। अब ये एक बॉडी है, ऐसे समझो इसका डायरेक्शन ऑफ, जैसे मान लो इसमें दो पहिए लगे हुए हैं, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अगर हम यहाँ पे एफ एक्स लगाएं, ठीक है, तो अब ये फ्लो करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भाई कार है या बाइक है, आप ढकेल रहे हो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप कार के छत के ऊपर चढ़ जाओ, बोनट पर कूदोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लो कराने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए। भाई जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्या करते हो कार को, आप ढकेलते हो पीछे से, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से ढकेलते हो उसको, क्योंकि ऊपर ढकेलोगे तो वो कंप्रेस होगा। ठीक, मूवमेंट के लिए हमें उसके अलोंग द मोशन वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको। तो अब ये हो गया इसके अलोंग द मोशन में। तो जब हमारा फोर्स, ठीक है, जब हमारा फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल लगता है तो उस समय वो फोर्स कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स। जब हमारा फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल लगता है तो उस समय हम उसको कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल इसलिए क्योंकि वो टेंजेंट बनाता है, जैसे आपका ये बॉडी है ना, तो अगर इसको टेंजेंशियल रखना हो तो हम यहां लगाएंगे एकदम इसके सरफेस के जस्ट ऊपर, टेंजेंट सभी लोग समझ रहे होंगे, तो टेंजेंट बनाते हुए, जैसे मान लो ये सर्किल है तो टेंजेंट क्या हुआ, ये इसका टेंजेंट हो गया जो इसको छू करके निकल रहा होगा, तो ये एक टेंजेंट बनाते हुए जो फोर्स जा रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स। जैसे एक बॉल है सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके निकल गया तो बॉल आगे चली जाएगी, ठीक, तो वही यहां हो गया आपका टेंजेंशियल फोर्स। अब ये टेंजेंशियल फोर्स जो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस करता है, ठीक है, वो होता है शियर स्ट्रेस। ये टेंजेंशियल फोर्स जो स्ट्रेस इंड्यूस करेगा वो कहलाएगा शियर स्ट्रेस। मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो फोर्स बॉडी के मोशन के पैरेलल होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स, और उस टेंजेंशियल फोर्स से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, और शियर स्ट्रेस ऐसे समझो, अगर आपको ऐसे कुछ नहीं समझ में आता है तो सभी लोग पेपर फाड़ते हो पेज, तो उसको फाड़ने के लिए आपको शियर फेनोमेना यूज करना पड़ता है। पेपर आप कॉपी से अलग करते हो तो क्या करते हो, कॉपी को एक हाथ से दबा लेते हो, दूसरा पेपर पड़े खींच देते हो तो पेज वहां से निकल जाता है। ठीक, लेकिन आप एक काम करो, कॉपी को भी उसी हाथ से पकड़ो और उसी हाथ से उसको फाड़ने को, कभी नहीं पेड़ फाड़ पाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपका जो मोशन होगा वो भी उसी उसी डायरेक्शन में खींच रहा होगा उसको। भाई कॉपी है, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, कॉपी वैसे लेके जा रहा हूँ, कभी पेज उसका अलग नहीं होगा। अलग करने क्या करते हो, कॉपी को पकड़ते हो, पेज खींच देते हो, पेज निकल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज शियर फेनोमिना। जैसे आपका कैंची होता है, सीजर यूज करते हो सभी लोग, तो कैंची से क्या करते हो, काटते हो, उसमें क्या होता है कि एक नीचे एक ऊपर जाता है, जब तक दोनों नहीं चलेगा तब तक वो चीज कट नहीं होगी। तो ये होता है आपका शियर फेनोमिना या शियर एक्शन, आप उसको ऐसे समझा सकते हो किसी को। तो मतलब क्या हुआ कि शियर स्ट्रेस जो लग रहा होगा, ये शियर स्ट्रेस आपका एक डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, और ये आता है ड्यू टू शियर डिफॉर्मेशन। मैं इसको पहले नहीं लिखना चाह रहा था क्योंकि आपको कंफ्यूज जाओगे कि शियर डिफॉर्मेशन होगा क्या। तो जैसे मैंने लिखा ना हाउ फ्लूइड विल फ्लो, अगर इसको ऐसे लिखा जाए शियर डिफॉर्मेशन, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। शियर डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये समझ में आ गया। शियर डिफॉर्मेशन मतलब कि जैसे अब देखो ये सॉलिड है, एक फोर्स हम यहां लगा रहे हैं तो एक फोर्स हमें इधर लगाना पड़ेगा। भाई ऐसे लगाओगे तभी डिफॉर्म करेगा, ऐसा तो है ना कि दोनों एक साथ ले जाओ डिफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। भाई आपको डिफॉर्म करना है तो आपको एक ऐसे बढ़ाना है, एक ऐसे बढ़ाना है, ठीक है, तभी ये चीज डिफॉर्म होगी। मतलब क्या है कि एक साइड रेजिस्टेंस काम करेगा, एक साइड आपका फोर्स काम करता है। जैसे आपको कुछ ही ढकेलना है तो अगर उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो वो स्लिप कर जाएगा वहां से। जैसे आपको मैं इस ब्लैक बोर्ड को यहां से खिसकाना चाहूं तो कब खिसकेगा, जब इसको दीवार भी सपोर्ट देगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ढकेल रहे हैं, दीवार इधर खींच रहा है तो ये ड्रैग हो जाएगा यहाँ पे। तो वही फेनोमिना यहाँ भी आएगी शियर डिफॉर्मेशन वाली, ठीक। अब इस शियर डिफॉर्मेशन को अगर हम सॉलिड पे अप्लाई करते हैं तो वहां क्या होता है, देखिए आप इस सॉलिड पे हमने अप्लाई किया तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो पार्टिकल यहाँ रहा होगा, आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको, ये पार्टिकल यहाँ आ गया होगा
और इसका ये बॉडी लाइन यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली ये जो पार्टिकल था ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और ये कुछ ऐसे डिफॉर्म कर रहा होगा। जैसे बुक है, बुक को स्लाइड करो तो बुक हल्की स्टेडी हो जाएगी, तो सेम वैसे ही एक सॉलिड है, बुक सॉलिड है तो ऐसे ही ये बिहेव करेगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है ना, ये होता है आपका फिक्स्ड डिफॉर्मेशन, ये आपका होता है फिक्स्ड डिफॉर्मेशन। मतलब कहने का ये है कि अब इस सॉलिड को और डिफॉर्म करने के लिए आपको टाइम टू टाइम फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझो आप कि मैं इस ब्लैक बोर्ड को तोड़ना चाहूं या मैं इस ब्लैक बोर्ड को डिफॉर्म करना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या एक स्ट्राइक में पॉसिबल है डिफॉर्म करना? नहीं पॉसिबल है, आपको बारी बारी फोर्स बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे आप कोई ब्रिक तोड़ते हो तो क्या करते हो, या आपको कोई एक कहते हो कि जो नेल है कांटी है आपको दीवार में लगाना होता है, क्या करते हो, बार बार हैमरिंग करते हो। स्टार्टिंग में हल्का फुल्का होता है, फिर आप बढ़ाते जाते हो फोर्सेस को। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में एक कांटी रखते हो बहुत तेज हैमर स्ट्राइक करते हो, आप पहले उसको एक प्लेस बनाते हो कि हाँ वो कांटी वहां जा रही है, फिर उसका हैमर स्ट्राइक बढ़ाते हो आप। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि वो सॉलिड डिफॉर्मेशन है तो सॉलिड में होता है फिक्स्ड डिफॉर्मेशन, मतलब एक फोर्स पे एक तरह का डिफॉर्मेशन होगा और वो रुक जाएगा। उसके अलावा फिर डिफॉर्म करने के लिए आपको दोबारा फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि भाई इस ब्लैकबोर्ड को डिफॉर्म करने के लिए हमें बार बार हैमर से स्ट्राइक करना पड़ेगा, हर बार हम फोर्स बढ़ाएंगे हर बार डिफॉर्मेशन हमें मिलते जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक हैमर से अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये 1 न्यूटन पे कंटिन्यूअस डिफॉर्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड है। ठीक है, आप खुद देखो, आपको कोई लोहे की रॉड है उसको बेंड करना है तो आपको हैमरिंग करनी पड़ेगी और तेज से स्ट्राइक करके बढ़ाते भाई, जैसे जैसे डिफॉर्म होते जाएगा वैसे वैसे स्ट्राइकिंग बढ़ानी पड़ती है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक हैमर स्ट्राइक करते जा रहे हो एक ही फोर्स से तो वो डिफॉर्म करे, कभी नहीं करेगा। जैसे अगर कोई बार है उसकी स्ट्रेंथ मान लो 10 न्यूटन की है, आप उस पर 8 न्यूटन लगाते चले जाओ कभी डिफॉर्म नहीं करेगा, आपको 10 लगाना है, 11 लगाना है, 12 लगाना है, जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे डिफॉर्मेशन उसमें बढ़ते जाएगा। ठीक, तो यहां पे आप कह सकते हो कि सॉलिड केस में ये आपका होता है फिक्स्ड डिफॉर्मेशन। अब हम इसी को लेके चलते हैं फ्लूइड के केस में। इन फ्लूइड, फ्लूइड में मान लेते हैं वाटर, हमने यहां एग्जांपल ले लिया है वाटर का, तो मान लो ये आपका सरफेस है, कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर हमने पानी इकट्ठा रखा है, एक सरफेस है, हमने एग्जांपल ले लिया फ्लूइड में पानी का। ठीक है, इतना सबको पता है कि लिक्विड और गैस फ्लूइड होता है, मैं यहां फिर से उसको प्रूफ कर दूंगा क्यों फ्लो करता है, इसीलिए उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। आपने देखा क्या, सॉलिड में फिक्स डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी हमें अब अगर डिफॉर्मेशन को इंक्रीज करना है, यानी अगर हमको डिफॉर्मेशन बढ़ाना है तो हमको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, बिना टाइम टू टाइम ये चीज डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है फिक्स डिफॉर्मेशन। एक फोर्स पे एक तरह का डिफॉर्मेशन मिल रहा है, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करता है, यानी डिसकंटिन्यू हो जाता है। अब वाटर पे क्या है, हमने एक यहां फोर्स लगाया, मान लो वाटर पे हमने एक यहां फोर्स लगाया, तो ये मॉलिक्यूल यहां था। ठीक, तो ये क्या हुआ होगा, ये ऐसे वर्टिकल रखा था, ये फोर्स क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को यहां भेजा होगा, ये मॉलिक्यूल यहां गया होगा, ये मॉलिक्यूल यहां गया होगा, ये मॉलिक्यूल यहां, ये ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इस सबको ज्वाइन करें इनिशियल प्लेस से, तो यहां क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ा सा ये साइड में कट रहा है थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर कैमरे से, तो यहां पे ये वाटर लिखा हुआ है, ये इन फ्लूइड लिखा है, मैंने यहां लिख दिया है, ये एक फ्लूइड का एग्जांपल लिया गया, ये सॉलिड है। ठीक है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका फ्लूइड है। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूं कि किसी भी फ्लूइड में अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वहां क्या देखने को मिलता है कि एक पार्टिकल यहां था पहला पार्टिकल, ये दूसरे को ट्रांसफर किया, इसने तीसरे को, तीसरा चौथे को, इसने पांचवे को, इसने छठवे को। मतलब क्या है कि यहां पे क्या दिख रहा है कि ये पार्टिकल्स लगातार डिफॉर्म होते जा रहे हैं। सॉलिड में क्या है कि एक ही डिफॉर्मेशन दिख रहा है आपको, यहां पे क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफॉर्मेशन दिख रहा है ये कहलाता है आपका कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन,
और ये आपका होता क्यों है? ड्यू टू शियर स्ट्रेस। मतलब कहने का ये है कि हमें वाटर को अगर फ्लो कराना है तो हमें उसके सरफेस के अलोंग फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये बॉटल है, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, मैं इसका कैप ओपन करूंगा, ठीक है, तो अभी इसमें पानी निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो, या ऐसे समझो कि इसी में फ्लो कराना है आपको, तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा इंक्लाइंड कर दें, और इंक्लाइंड की वजह से क्या होगा, इसका डब्लू साइन थीटा जो इसको नीचे खींच रहा होगा वो बढ़ जाएगा। भाई हॉरिजॉन्टल है तो साइन थीटा आपका जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी डब्लू साइन थीटा की। लेकिन जब हम इसको इंक्लाइंड किए हल्का सा, तो साइन थीटा कुछ कंपोनेंट आएगा, तो डब्लू साइन थीटा यहाँ आएगा जो इसको नीचे खींच रहा होगा, ठीक है। तो वो जो वेट कंपोनेंट है वो इस फ्लूइड को आगे लेके जाने की कोशिश करता है। आप घर पे ट्राई करना, एक हॉरिजॉन्टल टेबल लेना, उस पे पानी रख देना, तो जब तक वो हॉरिजॉन्टल है उसमें कोई फ्लो नहीं होगा। जैसे ही उस टेबल को आप टिल्ट करोगे हल्का सा, जैसे मान लो कोई टेबल है उसको आपने हल्का सा टिल्ट किया, तो वहां पे उसका वेट कंपोनेंट ही उसको नीचे ड्रैग करना शुरू कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें एक तरीके से फ्लो शुरू हो जाएगा, और वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इंक्लिनेशन एंगल उस पर बना रहेगा। मतलब जैसे आप देखते हो ना कि रिवर फ्लो कर रही है, तो नदी में आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो, नदी क्या होती है, पहाड़ से निकल करके समुद्र तक पहुंचती है, क्यों, क्योंकि स्लोप मिलता है उसको, नेचुरल स्लोप। रिवर में कभी भी आप देखते हो कि आपको कहीं ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा करंट देना पड़ रहा है फ्लो कराने के लिए। रिवर्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये हमेशा फ्लो करते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल सपोर्ट के, क्यों, क्योंकि उनको एक नेचुरल स्लोप दिया जाता है। तो उस तरीके से समझिए कि जो वो स्लोप होता है ना, वो स्लोप इतना सफिशियंट होता है कि वो ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेता है। जैसे कि आपका कोई कैनाल बना रहे हो या कोई नदी है, हमने उसमें थोड़ा स्लोप दे दिया नीचे, तो स्लोप की वजह से जो उसका वेट कंपोनेंट है वो उसके सरफेस के लॉन्ग लग के उसको नीचे खींचना शुरू करेगा, जिसकी वजह से उसमें ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है, और उसी एंगल पे वो तब तक डिफॉर्म करता है जब तक उसमें पानी रहता है। तो नदी फ्लो करना कब बंद करती है, जब वो एकदम सूख जाती है, नहीं तो अगर उसमें थोड़ा ही पानी होगा तो नदी का पानी कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा बहता रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें नेचुरल स्लोप दिया जाता है। ऐसे ही कैनाल की बात कर लो, कैनाल भी हम जो बनाते हैं वो स्लोप पे बनाते हैं, क्यों, क्योंकि स्लोप का ही फोर्स इतना सफिशियंट होता है कि वो लिक्विड को कंटिन्यूअस फ्लो कराते रहे। और वो होता क्यों है, ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स। इसके सरफेस पे जो फोर्स लगता है वो लगता है आपका टेंजेंशियल फोर्स, और ये प्रोड्यूस करता है हमारा शियर स्ट्रेस। मतलब जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो सरफेस के अलोंग लग रहा होगा, वो कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स जो स्ट्रेस जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। और यही शियर स्ट्रेस यहाँ पे एक शियर डिफॉर्मेशन जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा कोई भी फ्लूइड है वो आसानी से फ्लो करता है। अब आते हैं सॉलिड पे। अब आप काम करो कि उस नदी में एक पत्थर डाल दो, क्या होगा, पत्थर नीचे आके बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा होगा और उसमें प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल डिफॉर्म नहीं होंगे उस फोर्स से, और वहीं का वहीं वो रुका रहेगा। भाई आप अपने टेबल पे मोबाइल फोन रख दो, इंक्लाइंड करोगे, जब बहुत ज्यादा इंक्लाइंड करो तब मोबाइल फोन नीचे गिरेगा। लेकिन पानी है, पानी क्या करोगे, पानी के लिए हल्का भी टेबल इंक्लाइंड होगा तो वाटर फ्लो करना शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें टेंजेंशियल फोर्स काम करता है जो उसको आगे की ओर खींचता रहता है, जिसकी वजह से हमें एक शियर डिफॉर्मेशन मिलता है, जिसको हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, ठीक। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जो अभी तक हमने पढ़ा था कि फ्लूइड फ्लो करता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोई फ्लूइड क्यों फ्लो करता है, किस तरह के फोर्सेस चाहिए उसको फ्लो होने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको ये पता था कि उसके पास कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की तरह वो डिफॉर्म नहीं करता, ये चीजें। अब आप टेक्निकली किसी को समझा सकते हो कि सर फ्लूइड इसलिए फ्लो करता है क्योंकि अगर ये चीजें हम सॉलिड में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें नहीं दिखती है, सॉलिड में फिक्स्ड डिफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि उसमें डिफॉर्मेशन को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं सेम फोर्स पे। लेकिन लिक्विड और गैसेस में ऐसा होता है कि एक बार हम कोई फोर्स लगा देंगे तो वो तब तक डिफॉर्म होगा जब तक वो फोर्स उस पर एक्टिव होता है। जैसे आपका गैस सिलेंडर है, आपके घर में जो गैस सिलेंडर है उसमें क्या होता है,
एक प्रेशर पे उसमें गैस भर दिया जाता है। अब क्या करते हो, जब गैस भर गया उसमें, तो आप उसमें क्या करते हो, जब तक आपके गैस सिलेंडर में गैस रहती है तब तक आपको गैस आप उसका यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रेशर पे उसमें फिलअप कर दिया गया है, और वो प्रेशर जब तक उसमें लगता है, जब तक उसमें गैस रहेगी तब तक वो बाहर निकलता रहेगा। जैसे आपका डिओड्रेंट होता है, आप परफ्यूम यूज करते हो, उसमें क्या करते हैं, एक प्रेशर पे हम उसमें भर देते हैं कंटेनर में, और जैसे जैसे उसको यूज करते हैं वैसे वैसे हमारा एक परफ्यूम वहां से निकलते जाता है। वैसे गैस सिलेंडर है, हमने एक प्रेशर पे गैस डाल दी, उसमें नॉब ओपन करते रहते हैं, जब तक गैस है तब तक वो मिलता रहेगा। लेकिन ये चीज सॉलिड में नहीं हो सकता है कि आप एक ब्रिक को एक फोर्स लगा दिए तो जहां मन चाहे वहां उसको घुमा रहे हो, नहीं हो सकता है ऐसा। आपको हर एक लोकेशन के लिए, पोजिशन के लिए उसमें फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और सॉलिड इस तरीके से इसीलिए फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि फ्लूइड फ्लो क्यों करता है, शियर डिफॉर्मेशन क्या होता है, और हम कैसे उसको प्रैक्टिकल लाइफ से अपने एग्जांपल्स को जोड़ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं अभी, और अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड कंटिन्यूम को। जैसे ये हमने पढ़ लिया है शियर डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, अब हम अगले चैप्टर पे इसी में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे फ्लूइड कंटिन्यूम। तो बने रहिए इस चैनल में, लेक्चर नंबर 6 में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें लगता है, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम लग रही होंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।